फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि रियलमी के फ़ोन में नाइट मोड जो सेटिंग होता है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ और नाइट मोड में फ़ोटो लेने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे नाइट मोड में फ़ोटो लेंगे। तो इसके लिए आपको कैमरा को ओपन करना होगा। तो कोई भी आप अपना कैमरा ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाइट मोड इसके बगल में देखने को मिलता है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक नाइट मोड में फ़ोटो लेकर दिखाता हूँ। नाइट मोड में क्या होता है, जैसे कि आपका छाँव है कहीं पर भी, तो उसको फोकस में लेकर के आप इजीली नाइट मोड में फ़ोटो ले सकते हैं। तो आप देखिएगा दोनों फ़ोटो में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना क्लीन आ रहा है, जो कि ये जो नाइट मोड में लिया है, और ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा डल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं फोकस नहीं कर रहा है अच्छे से, और इसमें थोड़ी लाइटनेस ब्राइटनेस बढ़ा दिया है और फोकस कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इजीली फोकस में लेकर के आप नाइट मोड में फ़ोटो लेंगे तो आपकी क्वालिटी इन्हेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। अगर अंधेरे में फ़ोटो लेते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलता है, इसीलिए नाइट मोड दिया जाता है। तो आई होप कि जानकारी आपको पसंद आया होगा, ये नाइट मोड में फ़ोटो लेना आ गया होगा आपको, और कैसे इसका फ़ायदा होता है, क्या होता है, इस आपको पता चल गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।